अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। अल्लाह पाक आपको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे, हर बीमारियों से महफूज रखे। और जो बहन भाई हमारे मुल्क से दूर रहते हैं, अल्लाह पाक आप उनको अपनी जुमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जो मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी सपोर्ट कीजिएगा। तो आज वो रात को बारिश हो रही थी, तो रात से बारिश हो रही है मुल्तान में। तो आज सुबह सुबह भी इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा सब्जी सब्जी वगैरह देख लेती हूँ। जो पालक है वो तो अब वो ज़्यादा ज़्यादा हो गई है, तो ये बीज निकालने लग गई है, तो मैंने कहा इसे तोड़ लेते हैं आज। तो इस वजह से देख रही थी। तो जो मेथी वगैरह है मैंने कहा देख लेती हूँ, ऐसा ना हो कोई तोड़ के लग जाए। जब बच्चे हैं बच्चे ख़राब कर देते हैं ना, जो साथ वाले हैं ना बच्चे वो ख़राब कर देते हैं। तो अब माशाल्लाह धनिया भी सही हुई पड़ी है और लहसुन भी, और आज तो फूल लगे हुए हैं गुलाब के, जो वो लगाए थे वो भी माशाल्लाह फूल लगे हुए हैं। और ये वाले एक दो हैं जो वो कलियाँ निकल रही हैं। तो ये वाले जो फूल लगा हुआ था सुबह सुबह जैसे वो जैनब और मरूज जैसे वो स्कूल जा रही थी, तो जो मोहम्मद हसन है मेरा छोटा बेटा वो जैसे बाहर आया था तो फूल जो है वो उसने तोड़ दिया था, तोड़ के इधर ही बिखेर दिया था। देखो जो हसन है वो ज़्यादा ही शरारतें करते हैं, बिल्कुल ज़्यादा शरारतें करते हैं, बिल्कुल किसी की सुनता भी नहीं है। तो जैसे वो मैंने कबूतर निकाले थे तो अभी डाल रहे हो देना, शरारते करते हैं। जो मोहम्मद हसनैन है हसन है वो उनसे वो ना सोटी उठा के ना उसे जोर जोर से मारता है। तो मैंने कहा इसके साथ वो ना पिंजरे में बंद कर देती हूँ, ऐसा ना हो कहीं बिल्ली आए ले जाए और मैं अपना काम करूं और बिल्ली अपना काम कर जाए। आपको पता है बिल्ली आने में टाइम नहीं लगाती, बिल्कुल भी नहीं। ये कबूतर भी इतना ठीक है ना, वो इतनी ज्यादा जिद कर वो अंदर जाने का नाम नहीं था। फिर दोबारा भाग गया। वो नीचे और भी बैठा था, मैंने कहा सबको ना पीने में बंद कर देती हूँ। आसान छोटी दे दो बेटा, दे दो हसान तो करता भी ऐसे है। अब हसान की शरारतें शुरू हो गई, वो कहता है वरना ही छोटी होगी। तो कबूतर भी इतना डीप है ना, कहाँ गया? तो अब जो सब थे वो सब कबूतरों को मैंने पकड़ लिया। तो इस वजह से ये जैसे कुकु कुकु करता है ना, मरूशी से कहती है कि मुझे मम्मी ये मुझे बहुत ही अच्छा ज्यादा लगता है कि ये जब भी मैं इसे बाहर निकालती हूँ कुकु कुकु निकलता है करता है। ये रात को उठो ना, रात को भी ऐसे बोल रहे होते हैं। तो कभी कभी तो मैं ऐसे जैसे रात को उठ जाती हूँ ना तो बच्चों के फीडर वगैरह धोने के लिए, तो रात को बोल रहे होते हैं तो मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। रात को मेरे सब लोग तो सोए हुए हैं, एक दिन तो मैं डर गई बाहर ही अंदर भाग गई। फिर मैं ना अपनी छोटी सिस्टर को बाहर लेके आ गई, मैंने कहा आ जाओ बाहर बाहर आओ, वो ना बाहर से ना कोई चीज़ की आवाज़ आ रही कहती आ जाओ आप ही चलो इकट्ठे चलते। वो भी डरी हुई थी, इतनी ज़्यादा सहमी हुई थी। तो वह कहती है किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, कहती है आप ही जो आपने कबूतर रखे हैं ना तो वो ही आवाज़ें निकाल रहे हैं, तो आप सोच रही हो किसी और चीज़ की आवाज़ आ रही है। मैंने कहा वो मैं भी ऐसी कंफ्यूज हो गई थी। तो अब मैं इसे पानी डाल देना,
पानी डाल के ना फिर बंद करके रखूंगी। वो इनको ना बार बार ना प्यास लग जाती है ना। तो जिस क्वार्टर में हम बैठे हुए हैं ना तो वहाँ पे पानी भी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो ये तो है, जब अल्लाह मियाँ अपना देगा तो अपने के तो वैसे अल्लाह पाक हर किसी को दे, अपने भी अपने मकान की तो और बात है ना। तो पानी भी नहीं आ रहा 2-3 दिन हो गए, पानी भी इतना ज़्यादा शार्ट हो रहा है। तो हम किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, वो कहेंगे कि हम लोगों ने इसे इन लोगों को क्वार्टर लेके दिया तो अब इनके नखरे ज़्यादा बढ़ गए हैं। और ये देखिए अच्छे ना बिल्कुल, आज तीसरा दिन है पानी शार्ट है, तो पानी का इतना ज़्यादा मसला बना हुआ था, इश्यू बना हुआ था इस वजह से। अब जब जैसे मैं बाहर दाना डाला था ना कबूतरों को, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया। अभी मैं इन्हें बंद कर देती हूँ, जैसे दोपहर का वक्त होएगा और जैनब और मरूश आएंगी तो वो ही दाना डालेंगी। ये वाला जो है ये मैं ये सारा मिल के ना इकट्ठा करके ना तो कबूतरों बाहर जाके ना जो मकोड़े वगैरह होते हैं ना उनको डाल के आऊँगी। अभी मैं इन दोनों को नवाबजादे को सुला रही हूँ, इन दोनों का सोने का टाइम हो गया। ये देखो इसने ना वो अपनी बच्ची भी उतार दी है, आसान खान जो है। अब ये मजे से नाच रहा। हाँ जी हाँ, मैंने उसे बंद कर दिया चूचू को।